तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला सैमसंग का जो गुडलक ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है कीज कैफे। दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया और नए अपडेट के साथ एक नया फीचर वहां पर ऐड ऑन किया गया है, जो कि बहुत यूजफुल भी है और नहीं भी है। अगर आप टाइपिंग ज़्यादा करते हैं तो ये वाला फीचर आपके लिए काम का होगा थोड़ा बहुत। तो आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की कैफे के नए अपडेट और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना है यहाँ पर अपनी गुडलक वाली ऐप में। गुडलक वाली ऐप में जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आपको मिलेगा की कैफे का, और जैसे ही आप उसको जाएंगे स्टोर के अंदर, तो आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने अपडेट नहीं करा होगा तो भी आपको दिख जाएगा, और आप देखेंगे ये नया अपडेट रोल आउट किया गया है। कब रोल आउट किया गया? 28 अप्रैल को इस अपडेट को रोल आउट किया गया है, जिसका साइज है 76 MB का और इसका वर्जन नंबर है 1.0.06.16। यहाँ पर आप देखेंगे एक नया फीचर यहाँ पर एड ऑन किया गया है। क्या ये नया फीचर है? वी हैव एडेड फंक्शन की साउंड, इट साउंड डिफरेंट फ्रॉम बैक स्पेस एंड टेक्स्ट। मतलब कि अब आप इसमें साउंड को भी एडजस्ट कर पाएंगे, जो भी आप टाइपिंग करते हैं उसके साउंड को भी आप यहां पर मैनेज कर पाएंगे। कैसे और ये कहां मिलेगा? तो आपको इसको कर लेना है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको कर लेना है ओपन। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको वहां पर जाना है। यहां जाना है आपको स्टाइल योर कीबोर्ड में। स्टाइल योर कीबोर्ड में जाएंगे, आपको यहां पर एक नया ऑप्शन मिलेगा साउंड का। ये साउंड का सेक्शन मिलेगा यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट वो रहता है सिस्टम साउंड। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ी सी साउंड तेज कर दूं तो ये आपको आवाज आ रही होगी, देखिएगा। तो ये पहले नॉर्मल टाइपिंग की स्पीड का मतलब जो भी साउंड रहता है, अगर आप यहाँ पर आप साउंड को चेंज आउट कर सकते हैं। तो इतने सारे यहाँ पर साउंड के सेटअप दिए गए हैं कि आपको कौन सा भी चाहिए आप यहाँ पर उसका साउंड का सेट आउट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे, तो ये नए यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं, पहले नहीं थे। अब शायद इसी अपडेट्स में ये वाले ऑप्शन एड ऑन किए गए, जैसा कि उनका कहना है। हमने ये इसी अपडेट में यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे, आपको सुन भी रहा होगा कि अलग अलग यहाँ पर साउंड हो रहा है। तो यही नया अपडेट था सैमसंग की कैफे में, और यहाँ पर आप साउंड्स को एड ऑन कर सकते हैं। ये टाइपिंग पे अगर आप ज़्यादा टाइपिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नया नया साउंड आएगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। आजू बाजू वाले भी देखेंगे, भाई क्या कर रहा है ये, साउंड देख रहे हैं जैसे कि आवाज़ आ रही है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप लगता है उसमें कुछ कमी है तो मेरा डिसलाइक भी सकता है, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी आप हमारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलता है। तो थैंक यू।